सभी शिक्षक साथियों का मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरे इस चैनल अनोखी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखा ये जा रहा है कि कुछ शिक्षक मॉड्यूल जल्दी जल्दी पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, तो इसका भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है और अंतिम प्रमाण पत्र में समस्या भी आ सकती है। ऑनलाइन प्रशिक्षण का मतलब हम मनमानी के रूप में कभी नहीं ले सकते, क्योंकि निष्ठा द्वारा सभी शिक्षकों पर नज़र रखी जा रही है। जैसे ही हम कोई कंटेंट स्किप करते हैं या किसी वीडियो को छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में जैसे ही वो बंद होता है समय आ जाता है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये समय आया हुआ है। तो इस तरह से वहाँ हमारा रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने कम समय में ही इस बड़े से कंटेंट को पूरा किया। हमें सारे कंटेंट को एक एक करके ध्यान से देखना है, पढ़ना है और मुख्य बिंदुओं को अपनी डायरी में नोट करते जाना है। ध्यान रखिए, इसके लिए हम एक डायरी अवश्य बनाएंगे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अपडेट में जब हम दीक्षा के प्रोफाइल में जाते हैं तो हमारा शिक्षार्थी पासबुक भी अब दिखने लगा है, जिसमें हमारी सारी गतिविधि का रिकॉर्ड है, हमने क्या पाया सब उसमें जमा है। जिस तरह से बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, उसी तरह से इस शिक्षार्थी पासबुक में हमारे सारे कंटेंट का लेखा जोखा है। निष्ठा द्वारा हमारे हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, इसलिए आज के बाद हम लोग किसी भी लिंक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, किसी भी लिंक से हम प्रश्नों का उत्तर नहीं करेंगे, हम स्वयं करेंगे। उसमें रीडू का ऑप्शन है, एक बार गलती हो तो दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हम करते रहेंगे, किंतु स्वयं से करेंगे। कहीं ना कोई लिंक लेंगे, ना कहीं सेंड करेंगे। इस बात का हम अवश्य ध्यान रखेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने शिक्षक साथियों में शेयर भी करेंगे, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, वीडियो देखते देखते लाइक करना हम भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जब भी हम मॉड्यूल पूरा करेंगे, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे तथा उचित समय लेते हुए कोर्स पूरा करेंगे। हमें बहुत ही जल्दबाजी नहीं करना है, एक कोर्स लगभग 2 से 3 दिन में पूरा करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी है। ये जो सामने सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, यह केवल इस बात का प्रतीक है कि हमने इस मॉड्यूल को पूरा कर लिया है, और इस सर्टिफिकेट को हम वेरीफाई जरूर कर लेंगे। हमारा सर्टिफिकेट अंतिम प्रमाण पत्र होगा। तो एक मैंने अभी वीडियो बनाया है, जिस पे ये जो आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, मॉड्यूल को पूरा कैसे करें और इसमें 5 सावधानियां कौन कौन सी बरतें जिससे हमें कोई समस्या ना हो, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।